हाँ जी, स्टडी टी आर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे परिवर्तन करते हैं ये सीखते हैं। पहली संख्या 0.5, यह एक दशमलव संख्या दे रखी है, इसको हमें भिन्न के रूप में परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद में जो संख्या दे रखी है, जैसा कि यहाँ पर 5 दे रखी है, उसको आपको हर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 5 हर के रूप में लिख लिया। उसके बाद में आपको बट्टा के लगा लेना है। बट्टा लगाने के बाद में उसके नीचे आपको एक लिख लेना है, और एक लिखने के बाद में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, जैसा कि यहाँ पर 5 एक संख्या है, तो आपको जितनी संख्या है उतने ही आपको जीरो लगा लेना है। और इस प्रकार 5/10 हमारा भिन्न प्राप्त हुआ। दूसरी संख्या 0.9, यह दशमलव संख्या है, तो पॉइंट के बाद में 9 है, तो आपको जो संख्या दशमलव के बाद में दे रखी है उसको आपको अंश के रूप में लिखना है। यहाँ पर 9 में एज इट इज लिख लेता हूँ। फिर आपको बट्टा का लगा लेना है। बट्टा लगाने के बाद में आपको एक नीचे लिख लेना, और एक लिखने के बाद में दशमलव के बाद में कितनी संख्या दे रखी है, यहाँ पर 9 एक ही है, तो आपको एक जीरो लगा लेना है। इस प्रकार 9/10 ये हमारा भिन्न के रूप में प्राप्त हो गया दशमलव संख्या का। एक तीसरी संख्या दशमलव दे रखी है 0.54। अब इस संख्या में सबसे पहले आपको पॉइंट के बाद में जो संख्या दे रखी है वो संख्या एज इट इज आपको अंश में उतार लेना है। जैसा कि यहाँ पर 54 दे रखे थे, 54 को उतार लिया। फिर बट्टे के लिए लाइन खींच लेना और नीचे एक लिख लेना। एक लिखने के बाद में दशमलव बिंदु के बाद में जितनी संख्या दे रखी है उतने ही आपको जीरो लगाना है। यहाँ पर 2 संख्या, 2 जीरो लगा दिया। अब यहाँ पर 54/100 हो गए। अब चौथी संख्या 0.639 दे रखा है, तो दशमलव के बाद में जो संख्या दे रखी है वो आपको जैसा का जैसा दे रखा है वैसा आप ऊपर को उतार लेना 639। फिर आपको नीचे बट्टे की लाइन खींच लेना। फिर आपको नीचे एक लिख लेना। फिर आपको दशमलव के बाद में कितनी संख्या है, यहाँ पर 3 संख्या है, तो आपको 3 जीरो हर में लगा लेना है। तो आपने यहाँ पर 3 जीरो हर में लगा लिए हैं। तो 639/1000 ये दशमलव के रूप में दशमलव संख्या हमें भिन्न के रूप में प्राप्त हो गई। तो आपको इस वीडियो में मैं आशा करता हूँ दशमलव संख्या को भिन्न में परिवर्तन करना सीख गए होंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।